यूपी के रामपुर की बात करते हैं, जहां सिटी मैजिस्ट्रेट ने नगर में अवैध रूप से चल रहे एक अस्पताल पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील करके उसके संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों से उक्त संचालक की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट ने चिकित्सक प्रभारी से लेकर विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। सर, आज बिलासपुर में एक हॉस्पिटल में छापेमारी हुई है, क्या मामला था? ये मयंक नर्सिंग होम में संचालित हो रहा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देश के पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय एवं तहसीलदार बिलासपुर के साथ उक्त नर्सिंग होम का आज निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में बाकायदा नर्सिंग होम चलता हुआ पाया गया, जिसमें 4 व्यक्ति थे जो कि क्लिनिकल काम में इन्वॉल्व थे। क्या क्या कमियाँ मिली सर उसमें? उसमें नर्सिंग होम में OT चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर। नर्सिंग होम में लेबर रूम चल रही थी। नर्सिंग होम में 7 बेड का नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। और हमारे यहाँ विभाग में ANM है, कुसुम रस्तोगी, जो कि बिलासपुर में ही तैनात है, ये उसी की बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। तो सर, कितने लोगों पर कार्रवाई करा रहे हैं? इसमें जो कुसुम रस्तोगी की बिल्डिंग है, वहाँ लोग जो उपस्थित हो गए, उन्होंने बताया कि क्लिनिकल काम ये कुसुम रस्तोगी भी इसी नर्सिंग होम में करती हैं। वहाँ पर उपस्थित जो 4 लोग थे वो, और बोर्ड पर 4 चिकित्सकों के नाम वहाँ पाए गए, जिनके अगेंस्ट ये प्राथमिकी आज दर्ज कराई जा रही है। संचालक का नाम अभी पता नहीं, लेकिन जैसे ही पता लगता है इसको तुरंत टोटल कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है? करीब 13 लोगों के खिलाफ FIR कराई जा रही है। सर, क्या भ्रूण भी मिला है? नहीं, भ्रूण नहीं मिला, प्लेसेंटा मिला, जो कि ये दर्शा रहा है डस्टबिन में जो है प्लेसेंटा मिला है, जो ये दर्शा रहा है कि उसमें रिसेंटली काम हुआ। जब मौके पर निरीक्षण में गए तो सब मरीज वहाँ कोई नहीं, सब पीछे के दरवाजे से भाग गए थे। लेकिन जब डस्टबिन देखा और डस्टबिन में जो कि बायोमेडिकल वेस्ट था, प्लेसेंटा पड़ा हुआ था, तो उस प्लेसेंटा को हमने नगर पालिका की मदद से जो बायोमेडिकल वेस्ट हमारा CSC पे होता है वहाँ उसको डिस्पोजल कराया। तो उसमें जब उसकी लिस्ट बनवाई गई तो उसमें प्लेसेंटा ही पाए गए, जो ये दर्शाता कि नर्सिंग होम में अभी भी काम चल रहा था। हालांकि मौके पर मरीज सब भगा दिए गए, लेकिन काम की जो साक्ष्य मिले हैं वो स्पष्ट है कि अभी भी काम चल रहा है। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, कुछ मरीजों के भर्ती होने के प्रमाण पत्र भी मिले हैं, उसमें 21 टीम का लास्ट जो हमें मिला है वो भी हम लोगों के पास है।